कुछ डेरिवेशन सब है, वो बहुत आसानी से समझ जाओगे। U थीटा ये गिवन है ना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड, यही सब क्वेश्चन होता है डेरिवेशन में। नंबर वन, टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला वर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट। आई विल एक्सप्लेन एवरी टर्म, पहले लिख लेते हैं। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट थर्ड रेंज फोर्थ वर्ड इज टर्म इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है ना, किसी भी ऑर्डर में हम लोग निकाल सकते हैं, बट ये चार टर्म तुमको आना चाहिए। क्या क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, फिर रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब समझ में आता है बताओ? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा कहां से कहां, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, या लिटरल मीनिंग क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ, कितनी देर तक वो एयर में था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड वर्ड क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट एज अगर ऐसा तुम थ्रो किए हो तो इट अटेन सर्टेन मैक्सिमम हाइट और नॉट, उसके बाद नीचे आता है ना, तो वो भी लिटरल मीनिंग है। नेक्स्ट रेंज, रेंज का क्या मतलब, वो किस हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज नोन एज व्हाट, रेंज। जैसे देखते हो कोई बैट्समैन सिक्स हिट किया, तो आजकल तो वो सब ग्राफिक्स में आता है ना, वो डिस्टेंस दिखलाता है कि 66 मीटर या 80 मीटर कितना लेंथ था, बॉल यहां से बैट्समैन हिट किया और कहीं लैंड किया ना वो, तो एक हॉरिजॉन्टल एरो रहता है कितना डिस्टेंस है वो, दैट इज नोन एज व्हाट, रेंज। और लास्ट क्या है, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या हुआ, पाथ। सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मींस व्हाट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पाथ, क्या शेप है पाथ का, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या सीखे हो तुम, मोशन इन प्लेन किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या था, पहला स्टेप क्या है, डिफाइन एक्स एक्सिस एंड। तो अब क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, सौ दूसरा डायग्राम ड्रॉ करो, स्टार्ट करते हैं यहां से, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और ये है यू, किस एंगल पे, थीटा। इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी, टू परपेंडिकुलर, मेक टू कॉलम्स। बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं होगा, एक लिखो फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे कॉलम में फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ये बताओ हमको, ax एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट, तो यहां शो कर दो, दिस इज g और नॉट, ये ना वेक्टर g, ax और इस तरफ लिखो ay, कितना कितना है वैल्यू बताओ, हम चीज ax, वेक्टर किसके अलोंग है, किसी क्वाड्रेंट में है या नेगेटिव y एक्सिस, हाउ मच इज x कंपोनेंट, x कंपोनेंट जीरो, y कंपोनेंट माइनस जी, तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल और कांस्टेंट, ये तो जीरो ही है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, वी कैन यूज फॉर्मूला, यहां पे कितना फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फाइव, इधर भी कितना यूज कर सकते हो, फाइव। एक और इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, देखो तो ये लिख सकते हैं ux इक्वल टू, हाउ मच इज ux, u cos थीटा, एंड हाउ मच इज uy,
दोनों प्लस है, दोनों क्या है प्लस, सो दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू वेन सॉल्विंग प्रॉब्लम. अब रेस्ट, तो जो तुम ये एक वन डायमेंशनल मोशन और इधर दूसरा, बट कॉन्सेप्चुअली वॉट आई वॉन्ट इज, ऐसा स्कूल एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होगा, बट तुमको ये सोचना होगा कि तुम कितने पार्टिकल से डील कर रहे हो, दो किस किस के लॉन्ग, एक एक्स के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है और दूसरा इसका इनिशियल स्पीड यू एक्स है और इसका कितना है यू वाई. ये काम अगर तुम करोगे तो सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना आसान होगा, यू एक्स एंड यू वाई. देन हम लोग ऐसा करते हैं, इसको उलट देते हैं, नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं. पहला लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये सब प्रूफ स्कूल एग्जाम में भी आएगा, जो पहले टर्म का तुम्हारा एग्जाम होगा ना उसमें ये सब क्वेश्चन होता है, तो ठीक से समझ लो, बहुत सिंपल है. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है y as function of x और x as function of y. इसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मीन्स किसमें रिलेशनशिप, x एंड y, either y as function of x और x as function of y, whatever is convenient to find. So यहां भी हम लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप निकालना, x एंड y. ऐसा करते हैं, देखो हम यहां कुछ लिख रहे हैं, ये तुम लिख सकते हो, कैसे लिखे हैं ये बताओ. कौन सा फॉर्मूला, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ऐसा करो, ऊपर तुम पहले यहां ये फॉर्मूला लिख लो, x माइनस एक्स आई इक्वल टू यू एक्स टी प्लस, याद आया ये कब यूज कर सकते हो, जब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट है ना. Yes, sir. और एक्स आई का क्या मतलब था, एक्स कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू जीरो, वेयर इज योर पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो ओरिजिन, हाउ मच इज एक्स आई जीरो, हाउ मच इज यू एक्स, हाउ मच इज यू एक्स एंड हाउ मच इज एक्स जीरो, सो व्हाट यू गेट, हाउ मच इज एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी. ये किस मोशन से यहां तक पहुंचे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग. कैन वी यूज सिमिलर फॉर्मूला और सेम फॉर्मूला फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, केवल क्या चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स आई या वाई माइनस वाई आई. सो फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू हाउ मच इज यू वाई, यू साइन थीटा टी, फिर हाउ मच इज ए वाई माइनस जी. कैन वी राइट दिस नंबर टू, पहला इक्वेशन किस लॉजिक से, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा किस से, मोशन अलोंग वाई एक्सिस. नाउ इज इक्वेशन वन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, एक्स किसका फंक्शन है यहां, क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इज सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वाई किसका फंक्शन है, तुमको किसमें किसमें रिलेशनशिप चाहिए, टाइम में चाहिए, क्या लिखा हुआ बिटवीन वाई एंड एक्स, ये किसमें किसमें, एक्स एंड टी, ये भी किसमें है, किसको एलिमिनेट करना है, टी को. देखो दोनों मोशन इंडिपेंडेंट तो है, पर दोनों में ब्रिज का काम कौन कर रहा है, टाइम. दोनों के लिए टाइम अलग होगा या सेम होगा, फर्स्ट इक्वेशन हाउ मच इज टी, टी एक्स बाय यू कॉस थीटा, उसको कहां पुट कर सकते हैं, टू में. ज्यादा आसान कहां से टी एलिमिनेट करना है, टू से टी का वैल्यू वन में पुट करना आसान है या वन से टू में, राइट दैट, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू. देखो तो क्या है, व्हाट यू गेट, which is y equal to u sin theta into t की जगह क्या लिख रहे हैं, x by u cos minus half g t square, t की जगह फिर
x by u cos theta whole square. सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, u कैंसिल हो गया, y इक्वल टू tan theta into x है, माइनस हाफ g क्या x square by किसमें रिलेशनशिप आ गया, y एंड x, राइट दैट. दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट दैट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. डेरिवेशन समझ गए कैसे पहुंचे यहां तक बताओ. एक मोशन किसके लॉन्ग लिए, दूसरा किसके लॉन्ग, वाई, और इस दो से टी एलिमिनेट कर लिए, यू गेट टू दिस. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, देखो तो क्या है यहां, एक्स या एक्स स्क्वायर, यहां क्या है एक्स, तो क्या शेप ट्रेस करेगा वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस पैराबोला. सो क्या शेप है जो कर्व तुमको दिखता है, वो क्या शेप है, कर्व है या पैराबोला है. सो लिख दो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो एक पार्ट हो गया. नेक्स्ट लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर टू, टाइम ऑफ फ्लाइट. और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डू वन थिंग, फिर से वो डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस. दो कॉलम, x एक्सिस मोशन लॉन्ग, y एक्सिस, ax क्या था, 0 ay माइनस g, ux कितना, and uy, u sin theta. दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू वेन एवर यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम. क्या क्या कोशिश करेंगे निकाल लेने का, ax, ux, ay, uy. नाउ अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें आउट ऑफ फाइव डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड. और कॉन्सेप्चुअली क्या सोचना है, यू शैल बी डीलिंग विद हाउ मेनी पार्टिकल्स, टू, ऐसा मार्क कर दो डॉट. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम ऑफ मोशन. ठीक से बताना, अब दिस विल डिसाइड कि तुम कितना क्वेश्चन बना पाओगे. तो फाइंड टोटल टाइम ऑफ मोशन, किस पार्टिकल को कंसिडर करें, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस या मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस. ये हमने क्वेश्चन पूछे, ये नहीं क्वेश्चन था कि गेस करना है, ये नहीं पूछा था ना कि गेस करो कि किसको कंसिडर करें. एक कंक्रीट एक आंसर चाहिए, लॉजिकल आंसर चाहिए, किसको कंसिडर. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड टाइम, यू नीड टू नो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और नॉट. डू यू नो वेन यू से अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डू यू नो कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यू डू नॉट. डू यू नो यहां से यहां का डिस्टेंस पता है, नहीं पता है. लेकिन अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जरा बताओ. तो पार्टिकल पहले कहां तक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद क्या हुआ, वहीं रुक गया या वापस आया, वापस कहां आया, किसी दूसरे पॉइंट पे या सेम पॉइंट पे. हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, जीरो. तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यू कैन फाइंड टाइम और नॉट. तो कौन सा मोशन अप्रोप्रिएट लगता है, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग, मोशन अलोंग वाई एक्सिस. और दूसरा इस तरह से देखो, मान लो जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी सबस्क्रिप्ट एफ. ऐसा कर दो, टी सबस्क्रिप्ट एफ इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सबस्क्रिप्ट एफ इज फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये बताओ व्हेन टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक से क्वेश्चन देख लो, व्हेन टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ मच इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, डू यू नो दैट. But how much is y coordinate of particle? Zero. Why? Because where is particle on? X axis. So how much is y coordinate? Zero. So write that at t equal to tf. At t equal to tf, y is equal to zero. At t equal to tf, y is equal to zero. So kaun sa motion appropriate lagta hai? Motion along y axis. Which formula?
y माइनस yi इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर. राइट दैट फॉर्मूला, राइट दैट फॉर्मूला. लिख लिए y कितना है, या y माइनस वाई आई अंडरलाइन करो उस फॉर्मूला में. y माइनस वाई आई, y माइनस वाई आई गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट और नॉट, हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, जीरो. सो जीरो इक्वल टू कि यू वाई कितना था, t लिखे या टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर है. देखो कि टी एफ कितना है, टी एफ कॉमन ले सकते हो, एक टी एफ जीरो आ रहा है, बट वो पॉसिबल है कि टोटल टाइम जीरो हो, इट विल टेक फाइनाइट टाइम और नॉट. तो कौन सा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सो हाउ मेनी रूट यू विल गेट, टू. एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है, टी एफ इक्वल टू जीरो, दैट इज फिजिकली पॉसिबल या इम्पॉसिबल. तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है बताओ, ये नहीं है, टू यू साइन थीटा भाई जी. इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना, ये लिखा जा सकता है, बताओ कैन वी टेक टी एफ कॉमन, किससे इक्वेट कर दोगे, जीरो से. एक सॉल्यूशन क्या आया, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, स्क्वायर ब्रैकेट को जीरो पुट करोगे तो टी एफ यही आएगा ना, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन होगा. अगर डेरिवेशन नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तुम डायरेक्टली यूज करो. बट किस मोशन को कंसिडर करके तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, अलोंग वाई एक्सिस. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में क्या करना पड़ा, अलोंग वाई एक्सिस या बोथ एक्स एंड वाई. नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, अगला लिखो मैक्सिमम हाइट. खुद बताओ किसको कंसिडर करोगे मैक्सिमम हाइट के लिए, y axis तो it is written all over because क्या word है, height. height किस motion के कारण attain कर रहा है, y axis, which formula, at maximum height how much will be y component of velocity, zero. तो which formula, v square minus u square, write that formula, vy square minus uy square, vy square minus uy square. तुम चाहो तो अब इस तरह से भी सोच सकते हो, बट यू नो कि ये ऐसा लिखना सही नहीं है. क्या होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट x और y कुछ होना चाहिए ना. तो इसको y कर देते हैं, इसको y कर देते हैं, इसको y कर देते हैं, बट इस s का मतलब क्या है, s है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है. तो हाउ मच इज वी वाई, जीरो. हाउ मच इज यू वाई, ये है ना. हाउ मच इज ए वाई, जी या माइनस जी. एंड एस को एच लिख लें, डिस्प्लेसमेंट को एच लिख लें, तो क्या आ गया आंसर, एच कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी. डन. फिर ये किससे निकला, किस मोशन से, along y axis, है ना. एक और टर्म क्या था, रेंज. नेक्स्ट लिखो रेंज, रेंज. ना कोई भी जैसे मिसाइल ही है, मान लो मिसाइल को कहीं से लॉन्च किया, सरफेस टू एयर हो या एयर टू एयर हो, कुछ भी हो, कोई भी मिसाइल तुम देखोगे ना, तो उसके साथ साथ एक स्पेसिफिकेशन होगा कि उसका रेंज कितना है. सब नाम सुने हो ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या हुआ, वन कॉन्टिनेंट टू, तो उसका रेंज 100 किलोमीटर होगा या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होगा, और शॉर्ट रेंज का भी होगा. तो रेंज वर्ड वहीं से आ रहा है, रेंज मींस व्हाट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, किसके लॉन्ग, एयर में या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लो, वो ट्रैजेक्टरी शो करो तो आसानी होगी. यही था ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज रेंज. समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, रेंज.
that is range of projectile. खुद बताओ. और रेंज के लिए विल यूज सिंबल कैपिटल आर. वी यूज सिंबल कैपिटल आर. नाउ टेल मी, रेंज अगर निकालना हो तो कौन सा मोशन एप्रोप्रिएट लगता है? अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. एंड हाउ मच टाइम दैट पार्टिकल हैज टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस? अनलिमिटेड टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट? सो लेट मी पुट इट इन दिस वे, एट टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स कोऑर्डिनेट इज रेंज एंड वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो और नॉट. X coordinate is what is known as range and y is zero. You know time of flight? कौन सा formula appropriate लगता है बताओ? किसके along displacement चाहिए? X के along? कौन सा formula? X minus xi equal to ut plus half at square, right there. Displacement equal to ut plus half at square. Displacement equal to ut plus half at square. अब लिखो. डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता, रेंज है ना. आर इक्वल टू हाउ मच इज यूएक्स? पहले ऐसा लिख लेते हैं, देखो ये समझ में आ रहा है. टाइम इज एनी टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट? जब टाइम कितने के बराबर होगा तो एक्स रेंज के बराबर होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट, जब तक वो एयर में है तब तक वो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग मूव कर रहा है या नहीं? कब उसका मोशन बंद हो गया? जब कहां लैंड कर गया वो? ग्राउंड पे. Then, how much is AX? Zero. Time of flight की जगह क्या लिख दोगे बताओ? Time of flight. 2u sin theta by? Substitute value of time of flight. देख लो कितना था. Write that. 2u sin theta by g. Simplify करो, इसको कर सकते हो simplify. देखो तो basic trigonometry. ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. ये बताओ यहां क्या है? 2 into साइन थीटा into cos थीटा is how much? साइन 2 थीटा. 2 साइन थीटा into cos थीटा is how much? साइन 2 थीटा. तो how much is range equal to? U square by g साइन 2 थीटा. तो ये चारों फॉर्मूला एक साथ लिख दो. कंक्लूड कर लो. प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्रॉ दैट डायग्राम, कौन सा केस था. फाइनली एक सारा रिजल्ट एक साथ लिख लो. पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. ड्रॉ दिस डायग्राम. ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्रॉ दैट डायग्राम. और कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला सब लिखो. पहले लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. वाई इक्वल टू क्या आया था? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख दो. वाई इक्वल टू कितना था? टैन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये रिजल्ट नंबर वन हो गया. देन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी. फिर अगला क्या था? मैक्सिमम हाइट कितना था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. और लास्ट रेंज, रेंज कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. डन. तो ये डेरिवेशन के साथ तुमको पता होना चाहिए. बट की कॉन्सेप्ट क्या है फिर से? हाउ मेनी पार्टिकल यू शैल बी डीलिंग विद? टू. किस किस के अलॉन्ग? केवल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हम लोग दोनों को इन्वॉल्व किए थे. बाकी सब में आइदर मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस और मोशन लॉन्ग. तो कभी भी कोई तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे ना, तो केवल क्या डिसाइड कर लेना है कि किस मोशन को कंसिडर करें, अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग. बट उसके पहले क्या कर लेना है तुमको, हमेशा डिफाइन एक्स एक्सिस एंड चेक एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट ऑन एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट. ठीक है. तो ये मोस्ट एलिमेंट्री डिस्कशन था, ये तो सबको जानना है. इसमें कहाँ पे गलती होती है, कुछ मिस्टेक तुम करते हो, स्कूल एग्जाम में भी वो मिस्टेक होता है, फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम.
वो सब मिस्टेक तुम स्कूल एग्जाम में भी करते हो, वो क्या होता है नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दैट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे मोशन इन प्लेन।